नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज एक ताज़ा ब्याह हुआ पशुधन लेकर के आए हैं, काफ़ी जानी पहचानी जगह है हैप्पी भाई के घर से। हैप्पी सर, आप यहाँ पर देखें और जितना भी पशुधन दिखाते हैं हमारे पशुपालक भाइयों को जायज़ कीमत में अच्छा पशुधन, उसी की तर्ज पे एक जो ताज़ा ब्याह हुआ पशुधन है आज फिर लेकर के आए हैं और बिल्कुल जायज़ कीमत में आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सुहावना मौसम है और इसमें जो बीच में 2 से 3 दिन का जो गैप हुआ, क्योंकि ज़बरदस्त बारिश में न सिर्फ पशुपालकों को कहीं ना कहीं समस्या हुई बल्कि जो हमारा पशुधन है उसको भी खाने पीने से लेकर के उठने बैठने तक की समस्याएं हैं वो रही हैं। तो परमात्मा की दया से आज से मौसम जो है साफ हो रहा है और फिर रेगुलर रूटीन से अच्छा पशुधन आप सब पशुपालक भाइयों को लगातार देखने को मिलेगा। एक और ताज़ा ब्याह हुआ पशुधन है लेकर के चलते हैं हैप्पी सर के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार हैप्पी भाई, कैसे हो जी? बढ़िया। तो काफ़ी दिन में पशुधन दिखाया है, अब की बार तो भाई 2-3 पशु लोकल में चले गए, सेल हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज एक ही दिखा रहे हो फिर? एक ही है। क्या कुछ डिटेल्स हैं ये भाई? तीसरे बैच की, क्या पता चौथे की भी हो। चौथे की भी हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक हफ्ते की ब्याही होगी। एक हफ्ते की 14 किलो दूध है। 14 किलो दूध मौके पे तैयार। मिल्किंग करा दोगे? मिल्किंग करा देंगे। रेफरेंस के लिए एक मिल्किंग है आपने? दूध का दिखाने का अपना कोई काम नहीं भाई जी, सिर्फ धार पाव सा। हाँ, गाड़ी पछाड़ी दी दे पशु की, कोई हाँ भाई आगे दो टाइम तो लो। अच्छा, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, हशपुश जो मेल काफ है सबसे पहले वो देखें, नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद आते हैं पशुधन पे। पशुधन आप देखें, भाई ने बताया तीसरे ब्यांत में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, एक हफ्ते का ब्याह। एक बार खोलें घुमाएं चलाएं। हाइट लेंथ में जबरदस्त है और जो माइनस पॉइंट है साइड से जो थनों का गैप है थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, बाकी लान पान पूरा है पशुधन में आप देखें। फिर भी एक रेफरेंस के लिए अपने पशुपालक भाइयों को एक मिल्किंग वीडियो में दिखाई दूंगा इस पशुधन की, और ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। और एक ही जो रिक्वेस्ट है, छोटे बच्चा छोड़े, एक ही रिक्वेस्ट जितने भी पशुपालक भाई इस वीडियो को देखते हैं, खून पिए इस भैंस ने, एक साल हो गई ब्याही ने, इतक तक नया दूध हो की नहीं दे रही। ओए प्रीतल, के इधर क्यों सोम हो रही है? बाबू छो मैं क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊ जी रही, इस भैंस ने खून पी लिया, एक साल हो गया नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई तो मैं बता दू भाई, ई बिलाया लेता हूँ मेरे संगे, यो न्यूट्री राइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मुन्ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री राइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। 3 बार 4 बार जब तक आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, पशुधन को देख करके जांच करके फिर लेकर के जाएं। तो ऐसा नहीं है कि जो मिल्किंग वीडियो मैंने दिखा इसी को फाइनल समझा जाए, आए भाई के यहाँ पे साफ सुथरा काम है, 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपका मन करे उतनी बार मिल्किंग करें, देखें और ले जाएं। बच्चा आप देखें नीचे दूध पी रहा है, थन थोड़े से ज़रूर मैं बड़े कहूँगा चौथे ब्यात के हिसाब से, बाकी जेड ब्लैक टेल में जबरदस्त हाइट लेंथ जो पीठ पुट्ठे का पशुधन है वो प्योर ब्लैक है बिल्कुल, बिल्कुल। और ठीक है, तो घर की पाली हुई है हैप्पी भाई, किसी की जहाँ से लेके आए थे? ले रखे जमींदार से, नहीं जहाँ से लेके आए हो उनके घर की थी या कैसे खरीद बेच कर? अच्छा, कटड़ी पाली थी। कटड़ी, ठीक है। तो 3 ब्यांत लगातार उन्हीं के रही? दो कटड़ी इसकी वहाँ खड़ी। अच्छा, ओरिजिनल तीसरे की है पर चौथा इसीलिए बोल दिया भाई क्योंकि इसमें कोई मोर नहीं लग रही। अच्छा, क्या पता अगला अगला झूठ बोल रहा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई भी बात में ये नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो एक रेफरेंस के लिए जो धार वगैरह है दूध वगैरह है वो अपने पशुपालक भाइयों को जरूर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और काफी अच्छा पशुधन भाई के यहाँ से। बेरी से सटा हुआ गांव है मंगावास और डिस्ट्रिक्ट लगता है इनका झज्जर। शो क्वालिटी की भैंसे हो, चाहे हीफर्स हो या फिर थर्ड या फोर्थ टाइमर बफलोज हो, भाई ने जितना भी पशुधन आज तक दिखाया सारा साफ सुथरा, सारा अच्छा खासा वाजिब दाम में। आज का पशुधन भी एक वाजिब दाम में होने वाला है। सबसे पहले जो धार वगैरह है, जो मिल्किंग वीडियो है वो अपने पशुपालक भाइयों को दिखाऊंगा और लास्ट में जाकर के जो रेट है वो कंफर्म करेंगे। तो कल से हैप्पी भाई नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं, है ना? तो नवरात्रों में तो अब और भी ज्यादा पशुओं का जो आवागमन है वो शुरू हो जाएगा, शुभ मानना भाई, है ना? क्योंकि श्राद्ध में थोड़ा सा कम ये चीजें देखने को मिली थी और अब
थनों का जो पोसा वगैरह है वो एक बार देखें, नज़दीक से जूम करके दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं जी। भले ही बड़े हैं थोड़े से, लेकिन जबरदस्त जो पोसाव है वो। दूसरा जो साइड से गैप है काफी कम आपको देखने को मिलेगा, एक माइनस पॉइंट है वो। देखिए पशु की बड़ाई और जो बड़ा चढ़ा करके तो सभी बताते हैं, लेकिन जो माइनस पॉइंट हैं वो सबसे पहले बताने चाहिए, ताकि जितने भी हमारे ग्राहक भाई हैं वो उसी हिसाब से उसी एंगल से पशुधन को देख करके लेकर के जाएं। थनों का जो पोसाव है वो देखें, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ज़बरदस्त। तो ओरिजिनल एक हफ्ते की बाई हुई है अभी भाई? बिल्कुल ओरिजिनल है भाई, एक दिन की। ठीक है, बहुत बढ़िया। खाली बाल्टी आप देखें, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं जी, साफ सटीक जो मोटी धारे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पिछले थनों का दूध और एक बार धार मार के दिखा दो अंदर जी, ये देख सकते हैं मोटी धारे हैं। कटना छटना छर्रा पपैया कोई दोष इस तरह का आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब जो पशुधन है वो। और तो आज छुट्टी है, संडे है, आ जाओ, कोई बात नहीं, दिखा देंगे, आ जाओ आप, संडे को बात कर लिया करो कभी कभी। हैं, बात करते नहीं हो आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे बताएं भाई? कुछ नहीं कहना, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है तो ठीक है। ठीक है, अच्छा, तो कुछ समस्याएं भी हैं आजकल? समस्या ये है भाई, मार्केट में चिक चिक बाजी ज्यादा होने लगी। अच्छा, ठीक है, तो वैसे ही मन ठुक रहा था। अच्छा, चिक चिक बाजी मतलब? कभी चार दांत, कभी दो दांत, कोई बात नहीं भाई, आपा तो इस चीज से बिल्कुल हट लिए। देखो हैप्पी सर, सबका अपना काम है ना, और मैं तो कहूंगा जब तक आलोचक हमारे साथ नहीं रहेंगे ना, हम आगे नहीं जाएंगे। इनका रहना इन भाइयों का जरूरी है, ये जितना हमारे साथ रहेंगे उतना आगे तक जाएंगे। अपना काम है साफ सुथरा पशुधन दिखाने का, वो दिखाते हैं, और आज भी एक और साफ सुथरा पशुधन हैप्पी भाई के घर आंगन से। तो अब की बार कितने पशु इस महीने में निकल गए हैप्पी भाई? थोड़े बहुत भाई, चार पशु दिए इस महीने, चार पशु दिए, पांचवा ये है, ये पांच। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और तो, उससे पिछले महीने में एमपी चली गई थी भाई, तीन चार भैंसे एमपी। तो न सिर्फ लोकल में बल्कि जो दूसरे राज्यों के जो बायर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आकर के जो पशुधन है उसको लेकर के जाते हैं। अगले थनों का दूध देखें, बाल्टी में जो अगाड़ी है वो देख सकते हैं जी, फोकीदार है। एक हफ्ते की ब्याई हुई में जबरदस्त जो दूध है अपने पशुपालक भाइयों को देखने को मिल रहा है। ठीक है अंकल जी, दिखा दी, कोई बात नहीं, दिख गया, यहीं से दिख गया, आप निकालो पिछले थनों को और दो किलो से भाई प्लस में हो, दो से दो प्लस प्लस पक्की मानो बिल्कुल। ठीक है, तो पीक टाइम पे आएगी, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हो? दूध वगैरह खुला निकलेगी, 17-18 लीटर दूध खुला। बाकी पशुधन के जो लांड पांड से है और हाइट लेंथ फीट पुट्ठे से है, देख करके लग भी रहा है कि इतना पशुधन दूध मेरे हिसाब से आराम से परमात्मा ने ठीक ठाक रखा तो निकाल देगी भाई। तीन ब्याह तक लोन रख रखी तो कोई चीज जी, मैंने इसी बेस पर ली। ठीक है, तो मैले वगैरह से भी अभी लगेगी थोड़ा, ऑर्डर ये मान लो थोड़ा, हाँ थन वगैरह ये ऐसे लग रहे हैं, इसलिए चुड़ाई करवाई ना, दूध दिखाने कोई उद्देश्य नहीं है अपना। ठीक है, दूध अपना कोई भी भाई आगे दो टाइम चार टाइम देखो। तो थन थोड़े से जरूर बड़े हैं, दूसरा साइड से गैप कम है, बस इसके अलावा पशुधन में और भी कोई माइनस पॉइंट नहीं। हाइट अच्छी खासी, जेट ब्लैक टेल में, पीठ पुट्ठा आपके सामने, काफी बेहतरीन जो पशुधन है भाई के यहाँ से वो। और कीमत आज भी जायज ही रखोगे? बिल्कुल जायज रखा है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया, कीमत है इसकी 1,05,000। 1,05,000 रुपए, ये देखें 1,05,000 रुपए भाई ने कॉस्ट है वो कन्फर्म भी कर दी है, और काफी अच्छा पशुधन कहीं ना कहीं देते हैं, तो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। अभी हाल फिलहाल में 14 लीटर दूध के करीबन आप बता रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया दूध आप देख सकते हैं जी बाल्टी में, काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब, फुल्ली चुवाई का पशुधन, बिल्कुल फोकी चुवाई बस संदीप। ये मान लो 5-6 मिनट में बाल्टी साइड कर, हाँ बहुत बढ़िया, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और इससे कोई बड़ा। तो अंकल जी बच्चे के लिए जरूर छोड़ देना लास्ट में, ऐसा ना हो कि पढ़ लो। अब हैप्पी भाई मेरे हिसाब से पशुओं की जो खरीद बेच का काम है वो अब शुरू हो जाएगा, शुरू है भाई ना, और 1-2 महीने से डाउन ही था काम, और दिवाली तक मेरे हिसाब से परमात्मा ने ठीक ठाक रखा तो ऐसे ही रहेगा, है ना, चलता ही चलेगा भाई। जी जी, बहुत बढ़िया।
तो ये देख सकते हैं जी, दूध की बाल्टी ऊपर तक आ रही है और ये दूध आप देख सकते हैं। ठीक है, लीटर वगैरह से माप करके दिखाओगे? कोई मापा मुपी नहीं, कोई अच्छा भाई आया अपना दो टाइम चेक करके ले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो थनों में दूध है बाल्टी फुल होने के बाद भी, ये देखें जी, थनों में अभी भी दूध है और बच्चा है वो दूध पी रहा है। तो 1,05,000 रुपए भाई ने इसकी कॉस्ट रखी है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हैप्पी भाई की रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, डायरेक्टली आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।